Assalamu alaikum, welcome to my channel Cutting and Stitching Master. अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों को ब्राइडल पाउच बनाना दिखा रही हूँ। देखिए ये पाउच राउंड में बनेगी, ये इसका ये शरारे के साथ ही ये था, तो ये देखें मैंने ये काट लिया। इसके में इसके लाइनिंग सिल्क का है, तो ये चमक वाला हिस्सा ही मैंने इसके नीचे रखा ताकि इसमें अच्छी सी शाइन आए। ये देखिए ये फ्रंट का पीस है, उतना ही पीस मैंने बैक का काटा। काटने के बाद ये देखिए इसमें फ्रिल लगेगी, जो फ्रिल है ये दोनों साइड से मैं पहले ही मोड़ चुकी हूँ। ये देखिए मोड़ने के बाद इसकी साइडों में सिलाई लगाने की जितना जगह बची हुई है, ये दोनों पीस के दो फ्रिल हैं और ये राउंड पाउच बनेगी, इसलिए इसके नीचे वाला हिस्सा है। मैंने पहले ये इंची टेप से नापा, इसकी राउंड नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो नीचे वाला हिस्सा नाप कर मैं एक ऐसे डबल कर ये राउंड के इंची टेप से नाप कर उसी हिसाब के ये काट चुकी हूँ। ये गोल दायरा, ये एक बकरम है, ये एक बकरम है, ये बकरम है जेंट्स जो कॉलर में यूज होती है, वो मोटा वाला बकरम मैंने चिपकाया ताकि ये नीचे कड़क कड़क रहे और सही रहे। पहले तो मैं एक सिलाई लगाऊंगी इस पर जो बिल्कुल बकरम के साथ साथ इन दोनों को अटैच करूँगी, और एक फिर जब दोबारा सिलाई लगाऊंगी उस सिलाई से अंदर लगाऊंगी ताकि ये कड़क होकर ये पाउच की शेप में आए। तो सबसे पहले इसमें दो डोरी लगती हैं, जो ये डोरी है मेरे पास, तो ये डोरी में एक इसके अंदर डालकर सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले दोनों को बिल्कुल सीधा रखकर एक तरफ सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ मैं।